ये आ गए गायों को गंदी नजर से देखने वाले रोहित मीनिया जी, डॉक्टर भी इसलिए बने ताकि ले पाए जानवरों की। हाँ राज्यों, क्या हाल है? ठीक हो? तुम सबसे क्या छुपाना यार, भगवान का दिया हुआ सब कुछ, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, लेकिन इंसान की फितरत तो तुम्हें पता ही, लाख चीजें दे दो लेकिन चाहिए उसे वही जो उस वक्त उसके पास नहीं। अब मेरी लाइफ में वो चीज क्या है, हाँ वो बताता हूँ। आज से कुछ 6 साल पहले तुम्हारे भाई ने नीट का पेपर दिया, हाँ वही वाला जिसमें इस साल बच्चों के लग गए। बस उसमें भाई का सिलेक्शन हुआ है, पर इन 6 सालों में मैं एक ही चीज सोचता रहा, क्या होता अगर हो जाता। एनीवेज इस साल को साइड पे रखे काफी साल हो गए, बट पिछले हफ्ते मुझे मेरे एक दोस्त ने वीडियो सच्ची में बहुत सही इतना फनी ह्यूमरस कंटेंट बनाते हैं, और मतलब उनके जोक्स को प्रोसेस करना ही मतलब एक अलग लेवल की बात है कि मतलब उन्होंने ऐसा सोचा, और जब वो ऐसे कैप्शन लिखते हैं फिर वो मीम डालते हैं, फिर वो बिहाइंड द स्टोरी जाके ब्लैक एंड व्हाइट करके उसको एक्सप्लेन करके फोर प्ले करते हैं। दिस इज अजय, दुनिया के लिए ये है एक वेटनरी डॉक्टर और एक यूट्यूबर, बट मेरे लिए ये था एक जवाब उस सवाल का जो कि मैं पिछले 6 साल से खुद से पूछ रहा था कि क्या होता अगर हो जाता। तो अगली ही चीज डॉक्टर साहब को गया एक डीएम और हम मिले। तुम सब करो चिल और देखो कि क्या होता है जब एक बकचोद बदमोश आदमी मेडिकल कॉलेज में जाता। एक सेकंड, कहानी सुनी सुनी सी नहीं लग रही? मुझे भी सबसे पहले एक छोटा सा कैंपस टूर को अंदर दिखाता हूं। अंदर को देख ले। और ये काफी पुरानी बिल्डिंग जी, आई एम प्राउड ऑफ यू, आप फाइनली डॉक्टर बन गए। कल मेरी बात हो रही थी बंदे से फोन पे, कहता यार नीट का स्कैम हो गया, आपको कैसा लग रहा है? मैं मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है साला, मेरा 3 साल लगा के नहीं हुआ, किसी को नहीं होना चाहिए। तेरे को कैसा फील हो रहा है भाई? मुझे अच्छा, मेरा है ना इसका कंटेंट निकल रहा है नीट वाला, इसके बाद जाना मैंने थोड़ा सा बच्चों का एक्सपीरियंस। भाई कौन है ये वैनगार्ड अपरेटस, व्हाट इज दिस? तो अभी डॉक्टर अजय राठी हमें देंगे वेटनरी कॉम्प्लेक्स का टूर। अरे तुम सर क्या हाल है? ठीक हो? आपकी क्लास है अभी? आओ सर, अभी गाय में हाथ देना था। नहीं नहीं अभी नहीं देना, बाद में देंगे। पेशेंट थिएटर ऑफ द गायनो, ओके। सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड कोविड का फटा कहां पे खुलते हैं? अब इतना सब कुछ देख के मेरे दिमाग में आए कुछ सवाल। मान ले हम गाय गए, यू नो, एक्सट्रैक्टिंग मिल्क फ्रॉम काउ, अब थनों पे कट लेंगे तो अब दूध लीक होगा या खून? पता ना भाई। एक ना ये एक और पूछ रहा था, तो जो बंदा गाय का पहली बार दूध निकालता था वो गाय क्या कहता था? कभी सोचा? क्या कर रहा था गाय के साथ वो? गाय का दूध निकाल रहा था वो, क्या कर रहा था? वो गाय के साथ क्या कर रहा था? कभी सोचा? दूध डिस्कवर किया। तुम गंदे गंदे सवाल लेके आ रहे हो। रस्ते में क्या पूछ रहा था वो थन वाला बता? कहता गाय के साथ से दूध निकाल रहे, अगर कट लग जाए तो दूध निकलेगा या खून? फाइनल ईयर है तेरा डिग्री का? ओए फाइनल ईयर कितने साल की होगी तेरी? 4-5 साल? 5 साल। 5 साल में सबसे गंदे काम कौन से थे जो करने के बाद तेरे को ऐसा लगा यार क्या डिग्री कर रहा हूँ? रेक्टल। वो क्या होता है एक्सप्लेन करो, हिंदी बताओ। एक्सप्लेन पर रेक्टल क्या होता? रेक्टल क्या होता है? बस किसी के अंदर हाथ डालना। मेरा था फर्स्ट ईयर में, मतलब मुर्गे का सीमन कलेक्ट करवाया था, मतलब उसकी खुद कैसे ऐसे एक तेरी कोई वीडियो देखी थी उसमें कह रहा था, एनल ग्लैंड स्मेल करने पड़ते हैं। हाँ स्मेल नहीं करने पड़ते हैं, मान लो उनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बहुत बुरा स्मेल करते हैं, प्रेस करते हो तो गलती से आपका सारा स्प्रे आपके मुंह पे भी आ जाता है, तो कभी कभी फेशियल हो जाता है। मेरा सबसे गंदा एक्सपीरियंस पता है कब का? क्या आपके मुंह पे पड़ी है कभी? क्या भैंस के पेट के यहाँ से इंजेक्शन देना, यहाँ से खोलेगा रूम सारा का सारा, अंदर मुंह में जाता है, हाथ में जाता है। मेन काम करने से पहले मैंने सोचा कि एक बार भाई को अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दें। आई एम लेजिट डॉक्टर। देखो अजय भाई, अपन को ना एक फुल टूज डॉक्टर बनना है। इतनी गर्मी मेरा दिमाग फट रहा भाई, कोई घास हुई थी? थैंक यू सर। आई एम रेडी, क्या करना है बताओ, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज जितनी हो प्रैक्टिकल नॉलेज का कोई मुकाबला नहीं। बहुत बड़ी बड़ी गायें रूमन आगे की तरफ पुश हो गया। दिस इज द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर इन डायफ्रेगमेटिक हर्निया, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है इन, ये आ गया यूट्रस पूरा। रूमन फील नहीं होगा इसमें जब पी ले। एक बात बताओ, ये बात सही है गौमूत्र से कुछ बेनिफिट मिलता है? नहीं।
और क्या ये सही है, गोबर लगा खाने से कोई बेनिफिट मिलता है? कोई नहीं बोला ये भाई, मेरे माँ बाप के फेसबुक पे बहुत आता है गोबर के थेपले बनाए। मैं बड़ा डॉक्टर हूँ कोई अपने कर चेक कर। दीपा 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 रख 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 सेक्स सेक्स सेक्स। और भाई जैसे ही मेन काम शुरू हुआ, चलो ये क्या दिस इज पर रेक्टल भाई भैया मारे। अजय पीछे आ, पीछे आ, अजय पीछे आ भाई, पीछे आ रहा भाई। मेरी हालत टोटली खराब हो गई। भैया फिर से बेब, इट्स माय फर्स्ट टाइम। थ्रीसम सर मैंने देखा लिया नहीं है डायग्नोज करने के लिए कि गाय प्रेग्नेंट है कि नहीं। अगर सर्विक्स पकड़ोई जाती है, इनके सर्विक्स पता है क्या होता है? हाँ भाई इतना लायक बॉडी में बैंक नॉर्मल नॉर्मल फीटस नॉर्मल, पर आपने तो फीटस वाली जगह हाथ ही नहीं दिया। वहाँ से फील हो जाता है ना ऊपर से टच करके। भैया ये चौक तो याद ही होगा आपको, जहाँ पे आपने तीन मासूम बच्चों को पीटा था। पीटने को थैंक यू सो मच भाई। अच्छा एक सही बात बता, कभी किसी जानवर को गंदी नजर से देखा? सर बताए नहीं देखा। मैं प्रोटिव दूं एक, देख भी ले तू कुछ कर भी देगा। जानवर कौन सी एफआईआर करा रहा है? क्यों बिल्ले? नहीं नहीं, जानवर के ऊपर एफआईआर हो जाती है अगर आप जानवर के साथ सेक्स कर लो तो, उसको बोलते हैं बेसिलिटी। बट द क्वेश्चन इज, जानवर कैसे बतावाएगा पुलिस वाले को? देखेगा ना? अरे उसके मालिक को पता लग जाएगा ना। नहीं पता लगा, आवारा की मारना। मैंने एक